हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक है? ओके, तो आज हम सीखेंगे क्लास 8 का जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 2, दैट इज हेल्थ एंड डिसीज। ओके, हेल्थ एंड डिसीजेस। सो आजकल हर इंसान हेल्दी होना चाहता है। ओके, सब चाहते हैं हेल्दी होना, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, वो जिम ज्वाइन करते हैं। ओके, एक्सरसाइज करते हैं। ओके, लेकिन क्या जिम ज्वाइन करने से या बॉडी बनाने से हेल्थ अच्छी हो जाएगी, उसको हम हेल्दी कहेंगे? यस और नो? तो हम उसको हेल्दी बिल्कुल भी नहीं कह सकते। बॉडी बनाने से या एक्सरसाइज करने से वो फिट नहीं हो जाता। ओके, वो हेल्दी नहीं हो जाता। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, क्या आप जानते हैं हेल्थ की परिभाषा क्या है, हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? तो आज हम इस चैप्टर में हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ेंगे, हेल्थ क्या है ये पढ़ेंगे, और उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सी केयर हम कर सकते हैं। बहुत सारे डिसीजेस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उसकी डेफिनेशन से। ओके, तो व्हाट इज़ हेल्थ? सो इन 1948 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO हम जिसे कहते हैं, डिफाइन हेल्थ एज फॉलोज। किस तरह से उन्होंने डिफाइन की है हेल्थ, उसकी डेफिनेशन क्या बताई है WHO ने? उनका कहना है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींगनेस। ओके, क्या मतलब उनका, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बींगनेस एंड नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ एनी डिसीज। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है सेहत उस अवस्था को कहते हैं जिसमें इंसान शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। समझ में आ गया आपको? तो सेहत उस अवस्था को कहते हैं जिसमें इंसान शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो और किसी भी तरह की कोई विकलांगता या किसी भी बीमारी का न होना, किसी भी बीमारी का न होना ही क्या है, स्वस्थ है, स्वास्थ्य कहलाता है। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम, स्वास्थ्य, उसका स्वास्थ्य अच्छा है और हम बोलते हैं वो हेल्दी पर्सन है। ओके, हम ऐसा कहते हैं। सो इसका मतलब क्या है, मतलब शारीरिक रूप से स्वस्थ मतलब क्या होता है, मतलब उसकी सेहत अच्छी है। ओके, उसको कोई बीमारी नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ है। ओके, वो विकलांग नहीं है, उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका बॉडी का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो आदमी स्वस्थ है। ओके, और मानसिक रूप से स्वस्थ का मतलब क्या होता है, मतलब उसको कोई स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस तो आजकल सबको रहता है, डिप्रेशन में कुछ लोग चले जाते हैं, जैसे हमने एग्जांपल देखा, ऊपर से अगर वो अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से उसको क्या प्रॉब्लम है, हम जान पाते हैं क्या, उसका मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, हम समझ नहीं पाते। जैसे हमने एक अभी एग्जांपल के तौर पर हम एग्जांपल लेंगे, तो एक सुशांत सिंह राजपूत का ले सकते हैं, 14 जून को जिन्होंने सुसाइड किया था। दिखने में तो वो बहुत हेल्दी थे लेकिन उनके मन में कितना स्ट्रेस भरा हुआ था, हम नहीं जान सकते थे। ओके, तो उन्होंने स्ट्रेस के चलते, डिप्रेशंस के चलते उन्होंने क्या किया,
सुसाइड किया, है ना। उनके पास पैसा भी था, वो इकोनॉमिकली भी वेल सेटल थे, ओके, और उसकी बॉडी भी अच्छी थी, फिटनेस भी अच्छा था, लेकिन मानसिक रूप से वो क्या थे, विचलित थे, डिप्रेशन में चले गए थे। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, सुसाइड किया। तो हम हेल्थ की डेफिनेशन कैसे करेंगे? तो ये तीनों भी चीज़ें उसमें आनी चाहिए, मतलब वो फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली अच्छा होना चाहिए, मेंटली स्वस्थ रहना चाहिए, और सोशल वेल बीइंगनेस मतलब क्या है, सामाजिक रूप से भी वो स्वस्थ होना चाहिए, मतलब उसका बिहेवियर कैसा है जब वो समाज समाज के कांटेक्ट में आता है, समाज मतलब जिस एरिया में वो रहता है उन लोगों से वो कैसे बोलता है, कैसे बातचीत करता है, उसका बिहेवियर कैसा है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, सामाजिक मतलब सोशल वेल बीइंगनेस। तो ये सब चीज़ें जरूरी है उस इंसान में, जिस इंसान को हम क्या बोलेंगे, हेल्दी पर्सन कहेंगे, ओके। तो आपको समझ में आया होगा हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, ओके। क्योंकि आजकल बहुत सी बीमारी जो है किसके चलते होती है, न्यूट्रिशन के अभाव के कारण, और किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, ओके। कोई आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, ट्रेस रहता है, पैसे ना होने के कारण अच्छा फूड नहीं अच्छा फूड नहीं मिलता उसको, उसकी वजह से वो डिप्रेशन में रहता है, ट्रेस में रहता है, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस समाज में हम फेस करते चले आ रहे हैं, ओके। सो आगे हम देखते हैं, हेल्थ दो तरह की होती है, हेल्थ दो प्रकार की होती है, एक मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, ओके। सो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ आर प्रोबेबली द टू मोस्ट फ्रिक्वेंटली डिस्कस टाइप्स ऑफ हेल्थ, ओके। सो स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल हेल्थ आल्सो कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल हेल्थ। ओवरऑल हमारी ओवरऑल जो हेल्थ है, मतलब जो हम जिसका हम परिपूर्ण वो आरोग्य जिसका अच्छा है, किसको कहेंगे, जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, भावनिक रूप से भी वो अच्छा हो, और जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम, हेल्दी पर्सन्स कहेंगे ना, ओके। स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक, ओके। इमोशनल का मतलब भावनिक, और फाइनेंशियल मतलब उसको उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, ओके, सब कुछ है उसके पास। तो इसका भी योगदान हमारे स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करता है, ओके। स्वास्थ्य कैसा है हमारा, ये निर्भर करता है इस स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल हेल्थ, ये चीज़ें जरूरी रहती हैं, ओके। सो मेडिकल एक्सपर्ट हैव लिंक दिस टू लोअर स्ट्रेस लेवल एंड इम्प्रूव मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, ओके। तो पीपल विथ बेटर फाइनेंशियल हेल्थ फॉर एग्जाम्पल मे वरी लेस अबाउट फिटनेस एंड हैव द मीन्स टू बाय फ्रेश फूड मोर रेगुलरली, है ना। जिसके पास पैसा है वो क्या कर सकता है, अच्छे से अच्छा खाना गेन कर सकता है ना। फ्रेश फूड उसको मिलता है ना। अगेन वो अच्छी ट्रीटमेंट कर सकता है। अगेन मतलब ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी एक प्रॉब्लम उसको आता ही है, स्ट्रेस का, ओके, डिप्रेशन का, ओके। अगर वो सोशल वेल बीइंगनेस नहीं है, ओके, या कुछ प्रॉब्लम्स है, तो भी वो अनफिट कहलाएगा, वो हेल्दी नहीं कहलाएगा, ओके। सो आगे हम देखते फिजिकल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ क्या है, अ पर्सन हु हैज़ गुड फिजिकल हेल्थ इज़ लाइकली टू हैव बॉडीली फंक्शंस एंड प्रोसेसेस वर्किंग एट देयर पीक। जिसकी जो पर्सनैलिटी है, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, ओके, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है,
उसका प्रभाव मानसिक स्तर पर भी होता है। मतलब ये दो जो फिजिकल हेल्थ एंड जो मेंटल हेल्थ है, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ओके, अगर फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है तो मानसिक हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी। ओके, अगर मानसिक हेल्थ अच्छी है तो फिजिकल हेल्थ अच्छी रह सकती है। ओके, तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ओके, आगे देखेंगे हम मेंटल हेल्थ। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज, मेंटल हेल्थ रेफर्स टू अ पर्सन इमोशनल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेल बीइंग। मेंटल हेल्थ इज एज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ एज पार्ट ऑफ ए फुल एक्टिव लाइफ स्टाइल। अगर वो अच्छी तरह से एक्टिव लाइफ स्टाइल बिताना चाहता है, ओके, तो उसका जो जो स्पिरिचुअल है, इमोशनल है और सोशल और साइकोलॉजिकल वेइंग बीइंग से वो अच्छा होना चाहिए। ओके, और हर दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए ना। वो कैसा रहता है एक दूसरे लोगों के साथ, वो कैसा उसका बिहेवियर है, उसके मन में दया करुणा उसकी भावना है क्या। ओके, ये सब चीज़ें भी मायने रखती हैं। ध्यान में आ गए आपको? ओके, सो आगे देखते हैं हम। आजकल हम देखते हैं कि बहुत से लोगों का वेट बढ़ जाता है ना। वेट बढ़ने से वो हेल्दी हो जाएगा? हेल्दी हो जाएगा क्या वो? नहीं, वेट बढ़ने से और भी हमारी हेल्थ का जो खतरा है, जो बीमारी बढ़ने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। ओके, सो जितना ज़्यादा हेल्थ वजन होगा, मतलब वेट होगा, उतनी बीमारी बढ़ने के जो चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं। ओके, तर आपको ध्यान में आया होगा जब आपकी आपका जो वेट कितना होना चाहिए, आपका वेट कितना होना चाहिए, तो आपका जितना वेट 20 वर्ष तक था, है ना, 20 वर्ष तक जितना आपका वेट था उतना ही आपका वेट होना चाहिए। मतलब उसमें अगर 1 किलोग्राम अगर वेट बढ़ता है तो 2% बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, और ये हम किसके सहारे से कैलकुलेट करते हैं, तो उसका BMI जो रिपोर्ट है, BMI कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो BMI कैसे कैलकुलेट करते हैं? जिसका BMI 18.5 या 21 तक है वो पर्सन हेल्दी कहलाता है। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? वेट डिवाइडेड बाय हाइट। ओके, आपकी हाइट कितना सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर है आपकी हाइट, वेट कितना है आपका। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन कैलकुलेट योर BMI। सो नॉर्मल रेंज ऑफ हेल्दी पर्सन, नॉर्मल रेंज ऑफ BMI ऑफ हेल्दी पर्सन इज 18.5 to 21। ओके, सो 18.5 to 21। इफ ऐसे अगर है आपकी BMI तो आप हेल्दी है। ओके, आपको कुछ बीमारी होने के चांसेस बहुत कम है, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे एक PPT दी हुई है मैंने। सो हाइट अगर 4 फुट 7 इंच तक है, और मतलब उसका अगर सेंटीमीटर में कन्वर्शन हम करेंगे तो कितना आता है, 140 आएगा। ओके, सो उसका अपेक्षित वजन कितना है, कितना होना चाहिए? 18.5 to 21। उसका अगर कैलकुलेट हम करते हैं
वेट डिवाइडेड बाय हाइट, तो कितना आएगा 18.5 to 21, इसके बीच आएगा। तो आप कैसे हैं, स्वस्थ है? जो ग्रीन कलर में दिया हुआ है वो जो वैल्यू आएगी वो स्वस्थ है, आदमी कैसा है वो स्वस्थ है। अगर यह पीले कलर तक चला जाता है आपका BMI, तो हम कह सकते हैं उसको सावधान रहने की ज़रूरत है। ओके, और जिसका BMI 25 to 30 तक चला जाता है तो वो उसका वेट बढ़ जाता है, तो उसको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों की बॉडी तो ऐसे ऐसे बढ़ती है, मतलब कुछ खाएंगे और डाइट भी करेंगे तो भी उनकी ये बॉडी वेट कम नहीं होता है। तो उन लोगों के लिए बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ओके, सो ये चार्ट आपको इम्पोर्टेंट है, काम आएगा। ओके, तो आप देख लीजिए इसको, आगे देखते हैं हम। सो वे टू प्रैक्टिस माइंडफुल ईटिंग, हम कैसे खाना खाएं, है ना? माइंडलेस ईटिंग या माइंडफुल ईटिंग, मतलब हमारा ध्यान खाने के ऊपर नहीं है। अगर ऐसा हम खाना खाते हैं, मतलब टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, हम कुछ काम करते करते हम खाना खाते हैं, तो वो खाना हमको डाइजेस्ट होगा क्या? नहीं होगा। ओके, सो माइंडलेस ईटिंग बोलते हैं उसको। सो ईटिंग फास्ट फूड एंड इग्नोरिंग योर बॉडी सिग्नल्स, आपकी बॉडी कहती है खाना अच्छे से खाओ, लेकिन आप इधर उधर देख के या टीवी देख के या मोबाइल देख के खाना खाते हो, तो वो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी और आप बीमारी के शिकार हो जाओगे। ओके, ईटिंग वेन इमोशंस टेल अस टू ईट। ओके, जब आपका मन कहता है, कहेगा कि अब खाने की ज़रूरत है, तो आप खाना खाएंगे क्या? ऐसे कोई भी टाइम में अगर आप खाना खाएंगे तो उसका प्रभाव आपके सेहत के ऊपर ज़रूर होगा। ओके, ईटिंग अलोन एट रैंडम टाइम्स एंड प्लेसेस, किसी भी जगह कभी भी खाना खाना ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ओके, ईटिंग फूड्स दैट आर इमोशनली कंफर्टिंग। ओके, ईटिंग फूड्स दैट आर इमोशनली कंफर्टिंग, जो चीज़ें हमको हम हमारा माइंड बोलता है कि ये खाओ, तो हम खाएंगे क्या? नहीं, तो हमारे इमोशन पर भी हमको कंट्रोल करना चाहिए। ओके, तो ये सब चीज़ें किसके ऊपर इशारा करती है? माइंडलेस ईटिंग, इसको क्या बोलते हैं? माइंडलेस ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग का मतलब क्या होता है? लिसनिंग टू योर बॉडी एंड स्टॉपिंग वेन फुल। ओके, जब हमारी हमारी जो बॉडी है हमको बताएगी कि अब आपने जितना खाना खाया वो सफिशेंट है, अब ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पेट हमारा कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा एम्प्टी रखना चाहिए। ओके, ईटिंग वेन आवर बॉडीज टेल अस टू ईट, जब हमारी बॉडी हमको बताती है कि आपको भूख लगी है, तब खाना खाना चाहिए। जैसे जब हमारा स्टमक ग्रॉवलिंग करता है, ओके, मतलब हमारी जो एनर्जी लेवल है कम होती है, तब हमको क्या करना चाहिए? खाना चाहिए। ईटिंग विद अदर्स एट सेट टाइम्स एंड प्लेसेस, मतलब एक समय पर, मतलब एक आपका टाइमिंग निश्चित होना चाहिए। अगर आप 10 बजे खाना खाते हो तो अगली बार जब आप खाना खाओगे तो उसमें डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 8 आवर्स का होना चाहिए। मतलब आप जब 10 बजे खाना खाते हो तो आपको शाम 6 बजे या 7 बजे तक खाना खाना चाहिए। ओके, तब आपका जो हेल्थ है वो अच्छा रहेगा। ओके, ऐसे कुछ वेज है जो हम हमारे जो डेली लाइफ है उसमें कर सकते हैं। नाउ हम आते हैं डिसीज़ की तरफ। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय डिसीज, क्या है डिसीज, क्या है? ओके, तो देखते हैं हम डिसीज किसको बोलेंगे। कंडीशंस ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन साइकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज
डिसीजेस, इच डिसीजेस डिसीज हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक सिम्टोम्स। तो डिसीज किसको बोलेंगे? कंडीशंस ऑफ डिस्टर्बनेस, डिस्टर्बेंसेस, ओके, डिस्टर्ब होना। जो हमारा जो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है हमारे बॉडी की, जो मानसिक रूप से हमारे बॉडी में कुछ बदलाव आते हैं, ओके, या फिजिकली हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब हमारी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं देती है, गुड फील नहीं करते हम लोग, है ना, वीकनेस होता है, फीवर आता है, ओके, या कुछ प्रॉब्लम आता है हमारे बॉडी में, तो हम ऐसे जो हमारी बॉडी की और मानसिक जो संतुलन है, हमारा संतुलन है वो जब बिगड़ता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डिसीज़ बोलते हैं, ओके। एंड ईच डिसीज़ हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक सिम्टोम्स, और उस एवरी डिसीज़ हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक सिम्टोम्स। प्रत्येक डिसीज़ के क्या रहते हैं? कुछ सिम्टोम्स रहते हैं, जैसे बुखार आना, बुखार आना, बुखार आना मतलब हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमें क्या हुआ है, फीवर हुआ है, ओके। और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर और डॉक्टर हमें क्या देता है? फिर टैबलेट देता है, दवाई देता है, ठीक है। जैसे हमको टीबी हो गई तो हमें क्या होता है? खांसी आती है, बार बार खांसी आती है, खून भी आता है कभी कभी, ओके। हमारे जो फेफड़े हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ओके। और उससे क्या होता है? हमारी जो जो हमें भूख नहीं लगती है, ओके। तो ये सारी चीज़ें आती है, तो ये सिम्टोम्स हैं, हमें पता चलता है कि हमें क्या हुआ है, ओके। तो आपको समझ में आया होगा डिसीज़ के बारे में जो हमने पढ़ा है अभी, ओके। तो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ डिसीजेस, कौन कौन से टाइप्स है डिसीज के। सो यू मस्ट हैव हर्ड द नेम्स ऑफ वेरियस डिसीजेस लाइक डायबिटीज, कॉमन कोल्ड, अस्थमा, डाउन सिंड्रोम्स, हार्ट डिसीजेस, इटीसी, ओके। आपने ये सुना होगा, ये सब नाम आपने सुने होंगे। डायबिटीज़ मालूम है आपको, कॉमन कोल्ड, ओके, मतलब हम बोलते हैं उसको सर्दी, ओके, अस्थमा, ओके, श्वास संबंधित बीमारी है डाउन सिंड्रोम, ये भी बीमारी बहुत खतरनाक है। हार्ट डिसीज़ आपको मालूम है, ओके। सो दीज आर द वेरियस डिसीजेस नाउ यू कैन सी इन योर सोसाइटी और ओके इन आवर यूनिवर्स ऑल्सो, इट सी दीज आर द वेरी डेंजरस डिसीजेस, ओके, हार्ट डिसीजेस, डायबिटीज़, ओके, एंड दीज आर द वेरी हार्मफुल डिसीजेस, ओके। सो रीजन्स एंड सिम्टम्स ऑफ ऑल दीज डिसीजेस आर डिफरेंट, इन बीमारियों के जो सिम्टम्स है वो डिफरेंट डिफरेंट हैं, एक जैसा है क्या? हार्ट डिसीज में क्या होता है, क्या होता है? ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, ओके, उसके कारण क्या होते हैं? हार्ट के जो सेल्स है वो डेड होने लगते हैं और हमारा हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट में पेन होता है वो जोरों से ऑक्सीजन न मिलने के कारण, सो इसकी वजह से डेथ भी होती है। यही उसके सिम्टोम्स है, पेन बॉडी के कोई भी पार्ट में या छाती में पेन होने लगता है, या बॉडी के कोई भी पार्ट में बहुत ज़ोर से पेन होने लगता है, तो हमको समझ लेना चाहिए, या पीठ की तरफ ज़्यादा पेन होने लगता है, तो हमको समझना चाहिए कि ये हार्ट डिसीज़ के लक्षण है, ओके, और हम इसे पता लगा सकते हैं। डायबिटीज़ का मतलब क्या है? डायबिटीज़ कैसे होती है? हमारे बॉडी में शुगर बढ़ जाती है, ओके, और खाना खाने का बहुत मन करता है, अशक्तपना, मतलब वीकनेस ज़्यादा दिखता है हमारे बॉडी में, ओके, और इसके वजह से डेथ भी हो सकती है। सो दिस आर वेरी डेंजरस डिसीजेस एंड उसके लक्षण भी कुछ अलग अलग है, ओके। टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिसीजेस, डिसीजेस आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो इस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं टाइप्स ऑफ डिसीजेस। देर आर टू टाइप्स ऑफ डिसीजेस अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन एंड अकॉर्डिंग टू रीजन, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन एंड अकॉर्डिंग टू
रीजन्स, ये दो प्रकार है डिसीज के। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन में क्रोनिक डिसीजेज एंड एक्यूट डिसीज, ऐसे दो प्रकार आएंगे। ओके, इसमें क्या आते हैं, क्रोनिक डिसीज और एक्यूट डिसीज। और अकॉर्डिंग टू रीजन हेरिडिटरी डिसीज और एक्वायर्ड डिसीज। ओके, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ डिसीजेज अकॉर्डिंग टू द रीजन, जो कुछ कारण से हमें ये बीमारी होती है। ओके, मतलब अभी हम देखते हैं कि क्रोनिक डिसीज का मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन क्रोनिक डिसीज का मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक रहती है बीमारी, मतलब महीना सालों तक रहती है, जो बीमारी सालों तक रहती है, जैसे कैंसर हो गया। ओके, अगेन बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारी जो है, डायबिटीज़ हो गया, बहुत महीनों तक सालों तक चलती रहती है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रोनिक डिसीजेस। और एक्यूट डिसीज़ मतलब क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म डिसीज़ है, मतलब कुछ दिनों तक रहती है और बाद में वो क्योर हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्यूट डिसीज़। तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हुआ है। ओके, तो इसको बोलते हैं हम क्रोनिक डिसीज़ एंड एक्यूट डिसीज़। अभी अकॉर्डिंग टू रीजन हेरिडिटरी डिसीज एंड एक्वायर्ड डिसीजेस। ओके, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ डिसीजेस अकॉर्डिंग टू द रीजन। तो हेरिडिटरी डिसीज मतलब क्या होता है, हेरिडिटरी डिसीजेस जैसे सिकल सेल हो गया, हमारे पेरेंट्स को अगर है तो उसके बच्चों को भी, पेरेंट्स को अगर वो बीमारी है सिकल सेल की, तो वो उसके बच्चे को भी हो जाएगी, मतलब वो जेनेटिकल जो डिसीज़ है, मतलब वो ट्रांसमिट होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो उसको क्या बोलते हैं हम, हेरिडिटरी डिसीज़ बोलते हैं। ओके, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, ये जो डिसीज़ है ये हेरिडिटरी डिसीज़ है। अगेन ऐसे बहुत सारी बीमारीज है जो हेरिडिटरी है। ओके, अगेन एक्वायर्ड डिसीज़ किसको बोलेंगे हम, जैसे इन्फेक्शियस डिसीजेस, जैसे कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू वगैरह, इसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिसीजेस। ओके, और दूसरे का है नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस, एग्जांपल डायबिटीज, हार्ट डिसीजेस, कैंसर वगैरह, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड डिसीजेस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। ओके, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड डिसीजेस। तो इन्फेक्शियस डिसीज का मतलब क्या होता है, जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक ट्रांसमिट होती है, किसके माध्यम से, तो पैथोजन के माध्यम से, मतलब हम उसको बोलते हैं, वेक्टर भी बोलते हैं। ओके, जो रिस्पॉन्सिबल रहता है वो डिसीज होने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, पैथोजन। जैसे कॉमन कोल्ड है या इन्फ्लुएंजा बोलते हैं हम उसको, इन्फ्लुएंजा, तो वो डिसीज़ कैसे फैलती है, इन्फ्लुएंजा वायरस, वायरस रहता है, वो क्या करता है, वो हमारे बॉडी में एंटर करता है, एंट्री होती है उसकी। ओके, तो हमारे बॉडी में उसकी जो एंट्री है किसके माध्यम से हुई है, उस वायरस के माध्यम से हुई है, तो वो उसको क्या बोलते हैं हम, पैथोजेंस। ओके, जैसे डेंगू हो गया, डेंगू का एक मच्छर है। ओके, वो क्या करता है, जो जिस आदमी को डेंगू हुआ है उसके बॉडी का अगर वो खून चूस ले और बाद में वो हमारे जो हेल्दी आदमी रहता है, हेल्दी पर्सन रहता है, उसके बॉडी में वो अगर इंजेक्ट कर दे, ओके, तो क्या करे, क्या कर रहा है, वो ट्रांसमिट कर रहा है, मतलब डेंगू जो उसका वायरस है। ओके, डेंगू का क्या होता है, एक वायरस होता है, वो क्या करता है, एक आदमी से लेकर दूसरे आदमी तक वो ट्रांसमिट करता है, किसके माध्यम से, वो मच्छर के माध्यम से, डेंगू का मच्छर रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। ओके, सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबल, दीज थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल। ओके, नेक्स्ट नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस, इसमें डायबिटीज आता है और हार्ट डिसीजेस आता है। डायबिटीज़ का मतलब क्या है, डायबिटीज़ कैसे होती है, हमारी बॉडी में जब इंसुलिन की
इंसुलिन का अभाव होता है, ओके, डिफिशेंसी होते हैं, तब क्या होता है, डायबिटीज डिसीज़ होती है, उनको भूख लगती है ज़्यादा, वीकनेस आती है, ओके। तो हाँ, ये एक एक महीने तक रहती क्या, ये कुछ दिनों तक रहती क्या, नहीं, ये सालों साल तक रहती है ये बीमारी। और हार्ट डिसीज़ तो आपको मालूम ही होगा, हार्ट को ब्लॉक होना, जो आर्टरीज है उसको ब्लॉकेज आते हैं, और हमारा जो हार्ट है प्रॉपर सप्लाई नहीं होता ब्लड का, या ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता, इसकी वजह से हमारा हार्ट फेल हो जाता है। और ऐसी प्रकार की जो बीमारी है उसको बोलते हैं हम नॉन इन्फेक्टिशियस डिसीजेस, ओके। ये हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल एरियाज में होती है, किसी के माध्यम से ये बीमारी नहीं फैलती, ओके। तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्सिबल रहती है, हमारी जो जीवन शैली है हमारी कैसी है, ओके। अगर हमारा खान पान अच्छा है, अगर हमारी जीवन शैली अच्छी है, कि हमें कोई ट्रेस नहीं है, ओके, हम मेंटली फिट है, फिजिकली स्ट्रांग है, तो हमको ये जो बीमारी जो है, हम अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमको डायबिटीज़, हार्ट डिसीजेस नहीं होंगी, ओके। सो आज के लिए हम यही तक स्टॉप करते हैं यहाँ पे, आगे देखेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, ओके। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।